Birth of unemployment. So far, you have come to know about employment and its various types. अब तक आप जानते आए हो रोजगार के बारे में, उसके अलग अलग तरीके के रोजगार के बारे में. Now we shall try to know the reasons responsible for the birth of unemployment. अब हम जानेंगे उन कारणों के बारे में कि क्यों बेरोजगारी बढ़ती है या क्यों बेरोजगारी होती है. India is an agriculture based country and about 68% of the total population of the country reside in rural areas. India जो है एक agriculture based country है और यहाँ 68% आबादी जो है total population में से वो गांव के इलाकों में रहती है. The main source of their subsistence is agriculture. और उनकी जो जीविका का survival का मुख्य source है वो है agriculture. And agriculture related activities depending on monsoon. और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज जो पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है. सम सॉर्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर विजिबल बट देयर आर सम अदर रीजंस दैट गिव बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ तरीके हैं जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट के देखने को मिलते हैं, कुछ तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है. पहला है ओवर पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली एज क्रॉस्ड फिगर द ऑफ 102 crores अकॉर्डिंग टू 200,001 census. जो इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है. आप 102 करोड़ की पॉपुलेशन हम क्रॉस कर गए जब 2001 में गणना हुई. Due to increasing population, various types of unemployment have been emerging and they are responsible for unemployment in villages and towns, which is common patterns called rural unemployment and urban unemployment. अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और भी अलग अलग तरीके की बेरोजगारी जो है वो उभर रही है और यही सब जिम्मेदार है बेरोजगारी के लिए गांव में, शहरों में, जहां पर जो है इनको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट या अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज. अब अलग अलग तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट आपको टर्मिनोलॉजी के माध्यम से बताते हैं. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, disguised unemployment, educated unemployment, industrial unemployment और technical unemployment. दूसरा है illiteracy. According to census 2001, 34.62% of the total population of India is illiterate. जो 2001 की गणना थी उसके अनुसार जो हमारी भारत की total population है उसमें से 34% यानी 34.62% लोग जो ऐसे हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं. बिहार is on the last rank with 53% illiterate. बिहार सबसे नीचे है रैंक में क्योंकि यहाँ पर 53% लोग जो है वो बिना पढ़े लिखे. ड्यू टू इलिटरेसी देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अमंग वुमेन. अब बिना पढ़े लिखे होने की वजह से जो रेट है बेरोजगारी का खासतौर से वुमेन में वो बहुत बढ़ रहा है. ड्यू टू लैक ऑफ इलिटरेसी द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन इज वेरी लो. इलिटरेसी होने की वजह से बहुत ज्यादा जो अनएम्प्लॉयड वुमेन है उनकी संख्या ज्यादा है. The labor forces of rural women do not get employment on regular basis and they are compelled to work on irregular basis. जो labor force women की है, गांव की women जो हैं, उनको जो है रोजगार नहीं मिलता regular basis पे और मजबूर होकर उनको irregular basis पे काम करना पड़ता है. Due to uncertainty in regular job, they can be terminated anytime. और regular job में उनकी कोई क्या कहते हैं स्थिरता नहीं है तो उनको कभी भी जो है निकाला जा सकता है. Backwardness in agriculture. In spite of being an agriculture-based country, India's agriculture sector is suffering from backwardness and main reason of that is the total dependency on monsoon which throughout the year remains fully variable and uncertain. इतनी ज़्यादा हमारी कंट्री जो है वो agriculture-based है, फिर भी हमारा जो agriculture sector है वो पिछड़ेपन से जूझ रहा है. उसका मुख्य कारण क्या है कि पूरी तरह से निर्भरता मानसून पे है जो पूरे साल में कभी भी जैसे कहती है ऐसा तो नहीं है कि इसी टाइम पे होगा उतनी ही बारिश होगी. अनसर्टेन होता है, बदलता रहता है. द फ्यूरी ऑफ फ्लड एंड ड्राउट इज ऑलवेज देयर. या तो कभी बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है. बिहार इज अ सिग्निफिकेंट विक्टिम ऑफ फरीफ ऑफ बोथ ऑफ फ्लड एंड ड्राउट. तो बाहर जो बिहार है वो एक बहुत कहना चाहिए विक्टिम रह चुका है दोनों का ही. उसने दोनों को झेला है, सूखा भी पड़ा है तब भी और बाढ़ आ गई तब भी. Usually North Bihar faces the fury of flood and South Bihar that of drought. तो अगर North Bihar की बात करें तो वहाँ हमेशा से बाढ़ झेलनी पड़ती है. South Bihar की बात करें तो वहाँ सूखा पड़ जाता है. The disaster of the Kosi River is a befitting example of the fury of flood. अब जो कोसी नदी में बाढ़ आती है उससे जो तबाही होती है वो हम सब जानते हैं. In North Bihar, the Bagmati and the Adwara Samuh rivers
with their furious flood have been affecting agriculture adversely. नॉर्थ बिहार में जो भागमती है और अधवरा समूह है नदियों का, वो जो है काफी उनमें बाढ़ आती है, उससे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है. थ्रू दीज रीजंस द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ बिहार हैज टू सफर अ ग्रेट लॉस. और शायद यही कारण है जिसकी वजह से खेती बाड़ी जो बिहार में है वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाती है. इन एडिशन टू दिस द अननेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इरिगेटिंग फील्ड सच एज कैनाल्स, ट्यूब वेल्स, वेल्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा आर स्टिल अवेलेबल इन अ ट्रेडिशनल वे दैट सबड्यू द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इसके अलावा जो अननेचुरल रिसोर्सेज हैं सिंचाई के लिए खेतों में, जैसे कैनाल, ट्यूब वेल, वेल, पॉन्ड, ये सब हो गए, ये हैं तो अवेलेबल पर वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके के, तो उससे क्या है जो एग्रीकल्चर की स्पीड है वो बढ़ ही नहीं पाती. डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन हैज नॉट येट फ्लरिश्ड. एक जो विकास होना चाहिए, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए इरिगेशन में, वो सब अभी जो है यहाँ पर नहीं हो पाया है. द ओल्ड मशीन्स एंड टूल्स आर स्टिल यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. दिस आल्सो लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन अ लार्ज स्केल. जो पुरानी मशीनें और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, वो भी एक तरह से बेरोजगारी को बढ़ाती है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफी भारी मात्रा में. मैक्सिमम बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर. मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, ड्यू टू विच द ऑक्यूपेशन फॉर लाइवलीहुड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज फार्मिंग. आधे से ज्यादा हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी पर निर्भर है, जिसकी वजह से जो काम है जीविका के लिए हमारे भारतीय जनसंख्या का वो ज्यादातर खेती बाड़ी है. इन द अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विसेज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज लेस ड्यू टू हैवी लोड ऑन एग्रीकल्चर. बाकी के जो और सेक्टर्स है, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज, इन सब में जो है प्रेशर पॉपुलेशन का कम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बोझ किस पे पड़ा है, एग्रीकल्चर पे. Disguised unemployment is visible in agriculture sector, which is responsible for rural unemployment. छुपी हुई बेरोजगारी जो है हमें देखने को मिलती है खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि जिम्मेदार है एक गांव की बेरोजगारी के लिए. Lack of industrialization. As India is an agriculture-based country, so here the development of industries are far less than that in the developed countries. India में agriculture-based country होने की वजह से जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज का वो बहुत कम है उस मुकाबले में जो डेवलप्ड कंट्रीज में होता है. कॉन्सिक्वेंटली वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कुड नॉट बी पॉसिबल. इसी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज का पॉसिबल नहीं है. द शॉर्टेज ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज हैज आल्सो लेसेंड द पेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट. पावर और संसाधन की कमी होने की वजह से भी जो डेवलपमेंट का पेस है उसमें कमी आई है. एजुकेटेड एंड ट्रेन पीपल वॉन्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर where there is absence of employment. अब जो पढ़े लिखे ट्रेन लोग हैं वो चाहते हैं काम हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिले, पर वहाँ काम की ही कमी होती है. Besides in the mechanical industries, retrenchment give rise to unemployment in the industrial sector. जो mechanized industries होती हैं वहाँ पर क्या होता है, छटनी होती रहती है, इस वजह से unemployment industrial sector में और ज्यादा बढ़ जाता है. Absence of capital due to lower per capita income in India. The rate of capital creation is also very low, and due to this fact, the desired capital is not being invested in agriculture and other industries, leading unemployment at all levels in the country and the states. Per capita income की कमी होने की वजह से इंडिया में जो रेट है कैपिटल क्रिएशन का वो भी बहुत कम है, और इसी कारणवश जो हम इच्छित हमारी कैपिटल होती है उसको हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं एग्रीकल्चर में या और इंडस्ट्रीज में, जिससे कि बेरोजगारी हर लेवल पे कंट्री में या स्टेट्स में बढ़ जाती है. शॉर्टेज ऑफ ट्रेन लेबर फोर्स. इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडियन लेबर्स आर नॉट एबल टू हैंडल मशीन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन द टेक्निक बेस्ड एम्प्लॉयमेंट्स सच एज कंप्यूटर वर्क, मैनेजमेंट एंड इन हैवी मशीन्स बेस्ड वर्क दैट गिव बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट. अब पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा है, ट्रेनिंग है, इसकी कमी होने की वजह से जो भारतीय मजदूर हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका योगदान जो है इन टेक्निक बेस्ड जो रोजगार है उसमें नहीं हो पाता, जैसे कंप्यूटर वर्क हो गया, मैनेजमेंट का काम है, हैवी मशीन्स का काम जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें जो है ये काम नहीं कर पाते, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ जाती है. मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. अब कौन से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए. चिल्ड्रन बिफोर दिस यू नो द रीजंस ऑफ गिविंग बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ वी शैल डिस्कस द मेजर्स फॉर एन इरेडिकेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अभी तक हमने जाना क्या कारण थे जिससे बेरोजगारी पैदा होती है.
अब हम बात करेंगे उन कदम के बारे में जिनसे कि हम ये जो बेरोजगारी है उसको खत्म कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्टिल वेरी ग्रेव फॉर विच देयर इज एन अर्जेंट नीड टू गेट रिड ऑफ इट थ्रू गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स ऑन नेशनल एंड स्टेट लेवल। हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या जो है इतनी गहरी है कि हमें बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरत है कि हम इससे जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, आइदर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट के जो भी कोशिश है उनके द्वारा नेशनल या स्टेट लेवल पे। द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी डन टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम क्या कोशिशें कर सकते हैं जिनकी मदद से हम इस अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से बाहर आ जाएं। एक है गवर्नमेंट एफर्ट्स, दूसरा है नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स।